हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लिए एक फेस्टिवल्स वाली रेसिपी लेके आई हूं जो है गुलगुले। इसको हमारे यहाँ पूड़े भी कहा जाता है। हर तीज त्यौहार पे ये ज़रूर से बनती है, तो मुझे लगा कि आपके साथ में रेसिपी मुझे शेयर करनी चाहिए। बच्चों को बहुत पसंद आती है। पहले के टाइम में जब बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी तो घर में अक्सर बर्थडेज पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाए जाते थे। त्यौहारों में तो हमारे यहाँ आज भी ये बनाए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं पूड़े या गुलगुले। आइए रेसिपी देखते हैं, साथ ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें शेयर करी है जिससे आपके पूड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं गुलगुले। गुलगुले बनाने की शुरुआत हम करेंगे चीनी खोलने से। यहाँ पे मैंने ली है आधा कप चीनी और साथ ही हम लेंगे इसमें आधा कप पानी। याद रहे दोनों का रेशियो बिल्कुल 1:1 है, यानी जितनी चीनी उतना पानी। अब हम इस चीनी को घोलेंगे। यहाँ पे हमें किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें पानी में चीनी को घोल देना है। ये देखिए, घुलते ही गैस को ऑफ कर दीजिए। एक तरफ यहाँ पे मैंने एक कप आटा लिया है। चीनी और पानी के मिश्रण को भी साथ में रखा हुआ है, पर इसे हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है। गरम गरम इसे आटे के अंदर हम नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे इसे थोड़ा 5-10 मिनट ठंडा हो जाने दीजिए और इसके बाद इसे हम आटे में डाल देंगे। याद रहे इस चीनी और पानी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, चाशनी नहीं बनने देना। अब इसी में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तिल, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है 2 चम्मच मलाई। मलाई डालने से ये पूड़े या गुलगुले बहुत ही अच्छे बनते हैं और अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम धीरे धीरे मिलाएंगे विस्क की सहायता से। यहाँ पे हमें बहुत पतला घोल नहीं चाहिए, हमें ये चीले जैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट केक बैटर से भी थोड़ा सा थिक चाहिए। ये देखिए, हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अभी हमारा आटा ठीक से घुल नहीं पाया है, इसलिए इसमें मैंने 1/4 कप पानी और डाला है। पानी को 2 बैचेस में डालिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितना पानी डालना है। आटे पे भी डिपेंड करता है कई बार, लेकिन यहाँ पे 1 कप आटा लिया है तो उसके साथ में मैंने 3/4 कप पानी डाला है, 3/4 कप। ये देखिए, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब हम इस बैटर को विस्क करेंगे। विस्क करने से ये बैटर थोड़ा सा एरेट हो जाता है, हल्का हो जाता है और जो गुलगुले हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी पे नज़र रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इसकी कोई रिबन वाली कंसिस्टेंसी नहीं है, ये उससे थोड़ा सा थिक है। तो अब हम इस बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से फूल जाए। 15-20 मिनट हो चुके हैं, बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें 1 चम्मच पानी और मिलाया है, थोड़े से तिल और डाल दिए हैं और इस बैटर को अब हम अच्छे से फेंटेंगे। इसे चम्मच से ही इसी तरह से बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। ये देखिए कितना लाइट हो गया है। और अब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं। डालते समय हमारी फ्लेम हमेशा मीडियम से हाई की तरफ होनी चाहिए ताकि इन गुलगुलों का शेप बहुत ही प्यारा सा आ सके। गोल गोल अभी आपको नज़र आएंगे। और तलना हमें इन्हें लो फ्लेम पे है, ये याद रखिएगा। डालते समय फ्लेम को मीडियम से हाई की तरफ रखिए पर तलते समय इसे लो फ्लेम पे रखिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने फ्लेम को लो कर दिया है और हम धीरे धीरे मूव कराएंगे गुलगुलों को ताकि हर तरफ से ये अच्छे से सिक जाएं। गुलगुले बनने में बहुत आसान होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और आप ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टिफ़िन में भी दे सकते हैं। गुलगुले या पूड़े आज भी हमारे यहाँ तीज त्योहारों पे बनाए जाते हैं। जब भी बायना निकलता है तो उसमें गुलगुले ज़रूर होते हैं, मतलब पूड़े ज़रूर होते हैं। और ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्स्टिट्यूट है बाहर के बने हुए, मैदे से बने हुए किसी भी स्नैक का, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पूड़े को आप फ्रिज में रख के, क्योंकि अब गर्मी हो गई है, 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जाड़ों में जब हम इन्हें बनाते हैं तो ये आराम से बाहर भी रुक जाते हैं 2 से 3 दिन, लेकिन अभी आप इसे फ्रिज में रखिएगा। ये देखिए, हमारे पूड़े बनके तैयार हैं। पूड़े बनाने के लिए देसी घी इस्तेमाल करें तो टेस्ट सबसे अच्छा आता है। हालांकि आप तेल में भी बना सकते हैं, बट घी के पूड़ों का टेस्ट अपना बिल्कुल अलग है। तो अब इन्हें हम स्टोर कर देते हैं एक स्टील कंटेनर में, ठंडा होने के बाद ही इन्हें बंद कीजिए। तो तैयार है हमारे गुलगुले।
सो गाइस, ये थी हमारी गुलगुलिया पूड़े की रेसिपी। वेस्टर्न यूपी में बहुत कॉमन है, हर त्यौहार पे बनती है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे। और हाँ, सिंगल सिंगल रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वो भी कॉमेंट कर देना कि सिंगल रेसिपी डालूँ कि मल्टीपल रेसिपी डालूँ कि टिफिन वाली रेसिपीज और डालूँ। आप अपने कॉमेंट जब मुझे भेजेंगे तभी मैं कोई अच्छा सा वीडियो क्रिएट कर पाऊँगी। आपकी कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फूड फॉर फूडीज। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।